नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान से पैदा हुए खतरे को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वो जानता है कि भारत के खिलाफ सीधे युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि 1965 और 1971 में मिली पराजय ने पूरी तरह यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध करने की स्थिति में है ही नहीं। जदयू की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिन अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इसे अचानक उठाई गई मांग कहना मुनासिब नहीं है। सरकार भले बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की आवश्यकता हमेशा रही है, लेकिन अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी। इसका अर्थ ये नहीं है कि मांग उठनी ही नहीं चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए अनुच्छेद 15 और 25 को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा है। इस बाबत राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 25 भी बेच दिए। राहुल ने एक ट्वीट के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। बिहार में बाढ़ से एक बार फिर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंडक और कोसी समेत कई नदियों में उफान जारी है, जिसकी जद में आने से पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और पूर्णिया समेत कई अन्य जिले भी प्रभावित हो चुके हैं। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, जिसके कारण सैकड़ों परिवार सड़क पर आ चुके हैं। वैक्सीन के प्रभाव पर रिसर्च तैयार की गई है, जिसमें चीन की साइनोफार्म, रूस की स्पुतनिक, अमेरिका की फाइजर और कोविशील्ड को शामिल किया गया। रिसर्चों ने पाया है कि वैक्सीन नहीं लेने वाले लोगों के मुकाबले इन चारों वैक्सीन में से एक भी लेने वाले को सभी पैमाने पर काफी सुरक्षा मिली है। बिहार में पीएम मटेरियल पर विपक्ष ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया है। सोमवार को राजद ने कहा कि मोदी जी जबरदस्ती आकर नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बनाएंगे तो बन जाएंगे, वरना मोदी की जद में यू ही रहेगा। बिहार सीएम नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए राजद ने कई ट्वीट भी जारी किए। टोक्यो ओलंपिक में भारत की झोली में 7 मेडल गिर चुके हैं। इनमें 4 मेडल भारत ने सोमवार को सिर्फ 2 घंटे के अंतराल में खेले 3 खेलों में हासिल किए हैं। भारत ने महिला की निशानेबाजी में गोल्डन दर्ज किया है। पुरुषों के डिस्कस थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीता, तो वहीं जैवलिन थ्रो में चांदी के साथ कांस्य भी अपने नाम किया है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में अटल इनोवेशन कम्युनिटी सेंटर खोला जाएगा। इसमें छात्र सामाजिक समस्याओं के निदान पर शोध कर सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जेपीयू प्रशासन को पत्र भी भेजा है। पत्र में इनोवेशन कम्युनिटी सेंटर खोलने को कहा गया है। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी मारुति सुजुकी एक बार फिर अपने ग्राहकों को झटका देने जा रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वो बढ़ती लागत के बीच अगले महीने से सभी मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि पिछले एक साल में अलग अलग कच्चे माल की लागतों में वृद्धि के कारण कंपनी के वाहनों की लागत पर प्रभाव पड़ा है। हाल ही में जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया गया था। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश की मौजूदगी में ही पीएम कैंडिडेट नहीं मगर पीएम के सारे गुण होने के प्रस्ताव को पास किया गया था। हालांकि मीटिंग खत्म होने के साथ ही सीएम नीतीश ने इन बातों को फालतू करार दिया है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव में कोविड-19 टीका लगाए बगैर ही टीका लगाने का प्रमाण पत्र जारी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इसकी वजह तकनीकी गड़बड़ी बताई है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख 3 महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। योजना के तहत करदाताओं को मासिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए कम शुल्क का भुगतान करना होगा। मशहूर डायरेक्टर फारा खान ने नेपोटिज्म पर अपनी बात रखी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भले ही आप नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर भी आप शाहरुख की बेटी या करीना के बेटे की तस्वीर को देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा फारा ने एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया, जहां उन्होंने सिंगर एड शीरन के गाने की तुलना मैयत के गानों से की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगले 10 दिन तक फोन, सोशल मीडिया और यहां तक अपने परिवार वालों से भी दूर रहेंगे। दरअसल सीएम 10 दिन की विपश्यना साधना शिविर के लिए जयपुर में हैं, जहां वो अपना पूरा समय ध्यान और साधना में बिता रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। एक संदेश में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं भारत विदेशों में रहने वाले सभी साथी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वहीं पीएम ने भी लोगों को इस महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को पैरालंपिक खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा को उनकी शानदार उपलब्धि पर बधाई दी और कहा कि उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत प्रफुल्लित है। शिवसेना नेता भावना ग्वाली के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। वाशिम जिले में 9 ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी। 72 करोड़ रुपए कथित घोटाले के मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। टीम की कार्रवाई अभी चल रही है। भाजपा ने शिवसेना नेता भावना ग्वाली पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था।
प्रो कबड्डी लीग के आगामी सीजन 8 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की जा रही है। इसके तहत 29 अगस्त को कुछ खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त भी की गई। पहले दिन न्यू यंग प्लेयर्स की नीलामी हुई, लेकिन 12 टीमों ने इन खिलाड़ियों को खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऑक्शन के पहले दिन सिर्फ 4 खिलाड़ी ही खरीदे गए। भारतीय ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिनी ने आज इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 37 वर्षीय बिनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है। बिनी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कर्नाटक के लिए अपने करियर की शुरुआत की थी। देश में कपड़ा क्षेत्र को राहत देने के मकसद से सरकार की उत्पादन आधारित इंसेंटिव स्कीम अगले महीने से देश में शुरू हो सकती है। हिंदुस्तान को आधिकारिक सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक ये योजना बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। कपड़ा मंत्रालय की तरफ से योजना से जुड़ा कैबिनेट नोट मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। 1 से 2 हफ्ते में इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई के विकल्प के साथ साथ मामलों की फिजिकल सुनवाई 1 सितंबर से शुरू करने के लिए एसओपी अधिसूचित किया है। एक शीर्ष अदालत के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार फिजिकल सुनवाई को धीरे धीरे फिर से शुरू करने की दृष्टि से अंतिम सुनवाई या गैर विविध दिनों पर सूचीबद्ध नियमित मामलों को फिजिकल मोड में सुना जा सकता है। नीरज को समर्थन देने वाले कैफ ने अपने ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि नफरत के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए खेल का इस्तेमाल करने वालों का मुंह बंद करने के लिए धन्यवाद नीरज चोपड़ा। मैदान पर प्रतिद्वंदी भी दोस्त हो सकते हैं, उसकी राष्ट्रीयता मायने नहीं रखती। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही अपनी करेंसी CBDC जारी करने वाला है। रिजर्व बैंक इसके लॉन्चिंग की तैयारी का काम कर रहा है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि ई करेंसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का ट्रायल दिसंबर तक शुरू किया जा सकता है। भारत में कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति में भारी उछाल को देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि देश अगले साल के शुरुआती महीने में दुनिया भर में एक निर्यातक के रूप में वापस आ जाएगा। लगभग 100 देशों को 66 मिलियन खुराक देने और बेचने के बाद भारत ने घरेलू टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अप्रैल के मध्य में निर्यात पर रोक लगा दी है। कोविड महामारी के दौरान राजस्थान की प्रमिला सिंह ने अपनी पहल के साथ समाज में एक मिसाल कायम की है, जिन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर बेसहारा जानवरों की रक्षा की। प्रमिला के इस काम को समाज के लिए प्रेरणाजनक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी सराहना की है। भारत के कोविड चार्ट में आज सुधार देखा गया है। पिछले 24 घंटे में देश में 42,909 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि कल से 4.7% कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस अवधि के दौरान लगभग 380 मौतें दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही देश में मरने वालों की कुल संख्या 4,38,210 हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के भाई और पूर्व विधायक सिबिगतुल्ला अंसारी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने का मुद्दा उठाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता पाने के लिए कुछ भी करेगा कि तर्ज पर अखिलेश चल रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के पोस्टर में नेहरू की तस्वीर नहीं लगाने पर उठे विवाद के बाद भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की तरफ से सफाई दी गई है। भारत ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर ओजे उपाध्याय ने इसे टेक्निकल एरर बताते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटाया नहीं गया है। देश के संसद के गलियारों में पिछले 21 साल से काम कर रहे पोस्टमैन रामशरण मंगलवार को रिटायर हो जाएंगे। इन वर्षों में उन्होंने कई प्रधानमंत्रियों और सांसदों को वहां बदलते देखा। रामशरण ने कहा कि उन्होंने स्तब्ध की बराबर तरीके से और बिना शिकायत की सेवा की है। रामनगरी पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्माणाधीन राम मंदिर का दौरा कर वहां रामलला के दर्शन करने से पहले रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और कहा कि राम के बिना अयोध्या अयोध्या नहीं है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मोनिका कुमारी, अशोक कुमार, डेली वायरल फैक्ट, खानसर यूपीएससी, विजडम फिक्स, टुनटुन यादव, गुड्डू कुमार, सूरज कुमार सहनी, प्रशांत राज, राजेश सौंथलिया, आर्यन आर्य, छोटे सरकार, महफिल यादव, नुन्नू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार उत्तर प्रदेश में बिहार की राजनीतिक पार्टियों की किस्मत चमकेगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।